निसारी नगर निगम क्षेत्र में लगभग 171 विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन कार्य संपन्न हुआ। भूमि पूजन कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में जिले के सांसद विजय बघेल विशेष रूप से शामिल रहे। भिलाई के निसारी नगर निगम में लगभग 171 विकास कार्यों के लिए भूमि पूजन का कार्य संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल रहे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। साथ ही जिले के सांसद विजय बघेल ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। बता दें, लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले इस विकास कार्य को जल्दी रिसाली निगम क्षेत्र में पूर्ण किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं रिसाली महापौर ने मीडिया को जानकारी दी। नगर निगम रिसाली में निर्मित कर्मा माता चौक के लोकार्पण का कार्यक्रम और 14 करोड़ 18 लाख रुपए के 171 कामों का भूमि पूजन संपन्न हुआ है। रिसाली की जनता को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार बनने के बाद शहरों के विकास के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। शहर हमारा सुंदर बने, स्वच्छ बने, इस दिशा में तेज गति से हमारी सरकार काम कर रही है। तो निश्चित रूप से इतने कम समय में इतनी बड़ी राशि की स्वीकृति और उसका भूमि पूजन होना, ये सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है। मैं रिसाली की जनता को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज के भूमि पूजन उनके प्रश्नों का जवाब है। 8 महीने में इतने करोड़ रुपए का भूमि पूजन आपके सामने हो गया, और इसलिए जिन्होंने 5 साल छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया, एक एक रुपए के लिए तरसाया नगरी निकायों को, उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती है। ये वैष्णो देव साय जी के नेतृत्व वाली सरकार है जो विकास के प्रतिमान स्थापित कर रही है। सरकार के संज्ञान में है और निश्चित रूप से सरकार इस पर कार्यवाही करे। नगर निगम बिल्कुल भी मौन नहीं है। किसी भी शासकीय जमीन पर बेजा कब्जा, अतिक्रमण किसी भी कीमत पर, आप सबको मालूम है कि सरकार इस दिशा में गंभीर है, गंभीरता से काम कर रही है। न्यायालयीन मामले भी हुए थे, उस मामले में उसका परीक्षण सरकार के स्तर पर हो रहा है, और सरकार इस विषय पर छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के लिए, जैसे आपने देखा कि PSC में घोटाला हुआ, हमने CBI की इंक्वायरी का वादा किया था, वो किया। छत्तीसगढ़ की सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ खड़ी है, और उन हमारे अपने नौजवानों के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा निश्चित रूप से करेंगे। आज रिसाली नगर निगम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी यहाँ आए थे और भक्त माता कर्मा चौक का लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और हमारी रिसाली नगर निगम की बहुत बड़ी सौगात मिली है, 171 कामों का और 16 करोड़ 60 लाख का विकास कार्य, भूमि पूजन का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हुआ। मैं अभी हमारे रिसाली नगर निगम, क्योंकि नया निगम है और निगम नया होने के कारण हमारे यहाँ जो 2 साव वाहन की मांग की हूँ, मैं 2 शौचालय की मांग की हूँ और विभिन्न वार्डों में मूलभूत सुविधाओं की मांग की हूँ मैं, और मांग को पूरा स्वीकार किए हैं और पैसा की किसी के मार्ग कभी नहीं आती बोला गया। बहरहाल जल्द ही चहुमुखी विकास रिसाली नगर निगम क्षेत्र में किए जाएंगे। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।